नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। साल 2021 के नवंबर दिसंबर के महीने से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के जो अलग अलग यूनिट्स होते हैं, जैसे कि असेंबलिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, इन सब यूनिट्स को भारत में एस्टैब्लिश किया जाए। इन्हीं सब को देखते हुए सिंगापुर हो गया, ताइवान हो गया, इन सब देशों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार टच में है और इनको लगातार कन्विंस करने का प्रयास किया जा रहा, जहां पे इनको ये बताया जा रहा है कि भारत एक प्रॉफिटेबल मार्केट है, साथ में यहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी काफी स्टेबल है और इनको मोटिवेट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं। जहां तक बात किया जाए सेमी कंडक्टर के बारे में, तो शायद ही आज के डेट में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा जहां पे किसी न किसी तरीके का सेमी कंडक्टर चिप का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और साथ में ताइवान हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब उन कुछ चुनिंदा देशों में से हैं जिनका काफी गजब का एक्सपर्टीज हो चुका है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। तो यहां से जो हमें एक चीज समझ में आता है कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई लिमिटेड हो और उसके ऊपर अगर सिर्फ कुछ ही देशों को हाई एंड टेक्नोलॉजी बनाने का एक्सपर्टीज हो, तो उस देश को कन्विंस करना इतना आसान नहीं होता है। 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच में प्रधानमंत्री मोदी दो देशों के ऑफिशियल विजिट पे होते हैं। सबसे पहला देश होता है ब्रुनाई और दूसरा होता है सिंगापुर। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं सिंगापुर के बारे में और उससे भी अधिक हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। 2020 में जब कोविड का रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, तब जाके भारत समेत और भी अलग अलग देशों को ये रियलाइज होता है कि वो लोग कितना ज्यादा डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर के इंपोर्ट के ऊपर। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ अटेम्प्ट्स लेते हैं अपने तरफ से, जहां पे डेडिकेटेड बजट एलोकेट किया जाता है सेमीकंडक्टर के लिए और साथ में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बताया जाता है कि अगर आप देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ जो पैसा है इन्वेस्टमेंट का या जो प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। बीते 8 से 10 सालों में यूएस और चाइना के बीच में संबंध बेहद खराब हुए हैं, लेकिन जितना डिपेंडेंट चाइना यूएस के ऊपर है, ऑलमोस्ट उतना ही डिपेंडेंट यूएस भी चाइना के ऊपर है। लेकिन फिर भी यूएस और चाइना दोनों भर भर के अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद ना ही तो यूएसए अधिक एग्रेसिव हो सकता है चाइना को लेके, ना ही तो चाइना अधिक एग्रेसिव हो सकता है। जहां तक बात किया जाए भारत जैसे देशों का, तो हम कहीं ना कहीं इन सब देशों के बीच में जो झगड़ा है उसमें हम पिसता हुआ दिख रहे हैं। अगर इस मैप को हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि ये है सिंगापुर और ये है ब्रुनाई। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि सिंगापुर एक आइलैंड नेशन है जिसके पास बहुत ही सीमित जमीन है, तो सिंगापुर के पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शन रह नहीं जाता है प्लांट्स को सेटअप करने के लिए। तो इनको भी कुछ वैसे देश का रिक्वायरमेंट होता है जिस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जहां पे इनको जमीन काफी सस्ते कीमत पे मिल जाए और साथ में इनको वर्क फोर्स भी मिल जाए। तो जहां तक बात किया जाए भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जमीन हमारे पास काफी है, लेकिन एक चीज जिसमें हम कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखते हैं वो है स्किल्ड लेबर। कुछ चीज तो हम खुद के दिमाग चला के सीख सकते हैं और साथ में बहुत सारे ऐसे भी घटनाएं घटती है हमारे पास जिसको देख के हम वहां से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें सिंगापुर के चिप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो 1960s और 70s के दौर में जब अमेरिका को वैसे देश का रिक्वायरमेंट था जहां पे जो लेबर कॉस्ट है वो कम है, तो वहां पे निकल के आता है सिंगापुर। जब मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे निकल के आता है सिंगापुर, इसका ये मतलब नहीं है कि सिंगापुर बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं था। 1960s और 70s के टाइम पीरियड से अगर हम कंपेयर करें तो उस वक्त भी सिंगापुर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, कनेक्टिविटी था, वो काफी अच्छा था। तो ये सब बहुत ही बेसिक चीज होता है जो किसी भी देश या किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जहां तक बात किया जाए चीप लेबर के बारे में, तो भारत में भी आपको काफी चीप लेबर मिल जाएंगे, लेकिन सवाल वही होता है कि क्या हम अपने चीप लेबर का इस्तेमाल उसके फुल पोटेंशियल पे किए हैं, तो जवाब हम सभी को पता है। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि अगर भारत किसी भी तरीके से अपने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसको डेवलप कर लेगा, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी खुल जाएगा जहां पे अलग अलग देश जो कि एक चीप लेबर मार्केट ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भारत एक काफी सुनहरा एक ऑप्शन निकल के आएगा। तो आज जो हम देख रहे हैं सिंगापुर को या ताइवान को कि इनके पास इतने हाई एंड टेक्नोलॉजीज कैसे हैं और खास करके अगर हम बात करें तो चिप मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हैं, तो जब आप इन सब देशों का इतिहास पढ़ेंगे या रिसर्च एंड
डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये लोग अगर आज एक ग्लोबल लीडर बन के निकले हैं तो क्यों निकले हैं। जहां तक बात किया जाए सिंगापुर के बारे में, तो ये पूरा ग्लोबल सेमीकंडक्टर का 10% एक्सपोर्ट करता है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा नंबर हो जाता है। और जहां तक बात किया जाए वेफर फैब्रिकेशन का, तो इसमें कुछ 5% है। यहां पे एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि बीते 2-2.5 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी अच्छा अटेम्प्ट किए हैं, जहां पे वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन बात किया जाए सिंगापुर या ताइवान या उन सभी देशों का जिनका काफी अच्छा होल्ड है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, वो देश इतने बेवकूफ नहीं है कि अपने देश का इतना हाई एंड टेक्नोलॉजी को आपके देश में वो एक्सपोर्ट करेंगे। और साथ में अगर आप सच पूछे तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है यही काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके लिए कहीं ना कहीं जो भारत है वो अभी तैयार नहीं है। वहीं पे अगर हम और बात करें सिंगापुर में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, तो यहां के यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप होता है, जहां पे ये फोकस करते हैं कि किसी भी तरीके से जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके ऊपर पढ़ाया जाए और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वगैरह है उसके ऊपर पढ़ाया जाए। और साथ में इन सब जो यूनिवर्सिटीज वगैरह या कॉलेजेस वगैरह होते हैं, इनके जो टाइप्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ होते हैं। तो यहाँ से भी आप समझिए कि इनको काफी अच्छा एक एक्सपोजर मिलता है सेमीकंडक्टर या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करने का। ये सारे जो चीज है वो कहीं ना कहीं भारत में कंप्लीट तरीके से मिसिंग है। और समय दर समय ताइवान हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप सिंपली अगर आप इन्हीं सब टाइप के अगर आप आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि आज हम कितना पीछे हैं और कितना हमें रिक्वायरमेंट है विजनरी लीडर्स का। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।